नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यामिनी सिंह है। मैं कंपोजिट स्कूल उत्पुर गिलवा बदलापुर जौनपुर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता विशिष्ट बीटीसी एमए पीएचडी है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव लगभग 12 वर्षों का है। सन 2009 में 15 अगस्त को मैंने विद्यालय में ज्वाइन किया था। मेरी प्रथम नियुक्ति आजमगढ़ जिले में हुई थी। उसके बाद सन 2012 में मैं वहाँ से हस्तांतरित होकर के जौनपुर जिले में आई। चूंकि मैं जौनपुर जिले से संबंधित हूँ और जौनपुर जिला ही मेरा मूल निवास है, इसलिए मैं आपको जौनपुर जिले के विषय में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी था, की स्मृति में सन 1359 ईस्वी में अपने बंगाल के अभियान के दौरान की थी। यह कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी भी रही है। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मालिक सरवर नामक एक हिजड़ा था। इसके द्वारा स्थापित राजवंश सरकी राजवंश कहलाया। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही रहते थे। सांस्कृतिक विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज अर्थात सिराजे हिंद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यता है कि जौनपुर शहर में ही परशुराम जी के पिता यमदग्नि ऋषि का आश्रम था, आज भी जमैथा नामक स्थान पर विद्यमान है। प्राचीन काल में इसको जमदग्निपुर भी कहा जाता था, जो अब बदलकर जौनपुर हो गया है। जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त सई, पीली, वसुई, वरुणा आदि नदियां भी यहां की जमीन को सिंचित करती हैं। कला और संस्कृति की दृष्टि से भी जौनपुर काफी समृद्धिशाली है। यहां का शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद आदि दार्शनिक केंद्र भी हैं। और सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान यहाँ का है शीतला माता चौकिया का मंदिर, जहाँ दर्शन के लिए लोग दूर दूर शहरों से आते हैं और यहाँ दर्शन करके यहाँ का क्षेत्र का, परिवेश का, यहाँ की मान्यताओं के अनुसार उसका लाभ लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जौनपुर काफी फला फूला है। यहाँ का क्षेत्र बहुत ही विकास का क्षेत्र है और यहाँ शिक्षा का अधिक से अधिक हुआ है। जैसे कि मेरा विद्यालय बदलापुर क्षेत्र में ही है। बदलापुर क्षेत्र में भी सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज, सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज, संग्राम बालिका इंटर कॉलेज आदि विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त जौनपुर में टीडी कॉलेज, महाविद्यालय राजा कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज, दिया कॉलेज, तमाम इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज भी है और इसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी है, जो काफी प्रसिद्ध है। यही वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी है। यहाँ सई व गोमती नदी का मिलन भी स्थल है, जिसको हम रामेश्वरम कहते हैं, रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, और वहाँ त्रिमुहानी का मेला कार्तिक की पूर्णिमा में लगता है। मैंने अरबिंदो सोसाइटी को ज्वाइन किया था। जब मैं अरबिंदो सोसाइटी के बारे में जान पाई, ZIIE के द्वारा प्रशिक्षण किया गया, तब मुझे लगा, जब मैं इस विद्यालय में आई भी तो मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाए, के परिवेश को और उचित और अच्छे से किस प्रकार मैं बना सकती हूँ। यहाँ के बच्चे अच्छे थे, पढ़ते थे, लेकिन उनका मन बहुत अधिक शिक्षा में नहीं लगता था। वो कुछ देर के लिए विद्यालय में रहने के बाद वो सोचते थे कि मैं विद्यालय से बाहर निकल जाऊँ, किसी न किसी बहाने क्लास से बाहर रहूँ, क्लास में न बैठना पड़े। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों का साफ पढ़ने में कम है। वो कुछ देर के बाद बाहर निकल के खेलना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा पता चले, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बच्चे खेल खेल में सीखें। खेल खेल में सीखने से, गतिविधि करने से उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा था, मैं जो सोच रही थी, इस दौरान मेरा अरबिंदो सोसाइटी के विवेक शुक्ला जी के साथ संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे ZIIE के बारे में बताया, इसका प्रशिक्षण दिया मुझे। जब मैंने इसके प्रशिक्षण को लिया और मैंने जाना, देखा, तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरे घर में कुछ जो पुराने चीजें पड़ी हुई है, जैसे शादी के कार्ड है और कुछ डिब्बे हैं, इस सब को मैं इस्तेमाल करके शून्य निवेश में नवाचार के द्वारा नए नए चीजों को बना करके बच्चों का उसमें इंटरेस्ट जगा सकती हूँ। जैसे कि शादी का कार्ड हुआ, उसको मैं काट करके संख्या गिनती बना ली, उसमें संख्या हो गए, शब्द हो गए, दो अक्षर हो गए, मात्रा हो गई, उसको मैं बना सकती थी। मैंने उसको बनाया, उससे मुझे
अपनी शिक्षा में बहुत ही अधिक बदलाव भी दिखा। मेरे विद्यालय के प्रांगण के बच्चों को अच्छा लगा, वो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और मन से पढ़ने लगे और मेरा विद्यालय और भी आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का शिक्षा प्राप्त किया तो यह पता चला कि बिना पैसे के किए गए नवाचार कैसे हो सकता है, जिससे पढ़ने पढ़ाने में सुधार किया जा सकता है और पैसे को भी बचाया जा सकता है। प्रशिक्षण से मुझे बहुत ज्यादा ही लाभ मिला, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। प्रशिक्षण में एक लाइन लेंथ से क्रियान्वित कैसे किया जा सकता है का मुझे दिखाया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि किस तरह मैं इन सब बची हुई चीजों को, घर में पड़ी हुई बेकार चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा लिखा सकती हूँ। मेरा विद्यालय रोल प्ले विद्यालय बन सकता है क्योंकि मेरे विद्यालय में 312 की संख्या है। मेरे विद्यालय में 312 बच्चे पढ़ते हैं और यह गांव का सबसे अधिक संख्या वाला विद्यालय है। मेरे यहाँ काफी मात्रा में अध्यापक भी, इस समय कम से कम 12 अध्यापक हम लोग हैं, तो अध्यापकों की भी कमी नहीं है। और मेरे विद्यालय में उन TLMO की सहायता से मैं अपने स्कूल के बच्चों की गुणवत्ता में सुधार ला पाई, उन्हें लर्निंग आउटकम में प्राप्त कराने में सहयोग कर पा रही हूँ और इसलिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी का और श्री विवेक शुक्ला जी का और SDFC का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे ये मौका मिला। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।